टीवी की सीरियल भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी बन गई हैं खूबसूरत चुड़ैल। असल में उनके अंदर आ गई है उन्हीं की फ्रेंड रॉक्सी की आत्मा, जिसका हो गया था मर्डर। और ये मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि तिवारी का दोस्त धीरज है। और अब वो धीरज से बदला लेने के लिए आ गई है। और ये सब जानते हुए भी विभूति अपनी पत्नी अनीता के साथ रोमांस फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो हॉरर एपिसोड्स होते हैं या हॉरर स्टोरीज होती हैं उसमें या तो फिर वो वाइट लेंसेज होते हैं और वो हस्की वॉइस में बात की जाती है। तो हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। हमने कहा भाई चुड़ैल सिर्फ ऐसी अगली ही क्यों हो सकती है, कोई खूबसूरत चुड़ैल भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर भूत जो है वो उसका एक ही तरह का टोन हो बात करने का। तो लहजा अलग है लेकिन ऐसा जो टिपिकल हम करते हैं वैसा नहीं है। तो ये मैंने वाइट साड़ी पहनी है लेकिन उसमें थोड़ा सा सिल्वर बॉर्डर है और मैंने मांग टीका लगा लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्लाउज। देखिए मैं चाहती हूँ कि अब आप चुड़ैल जब किसी को कहें तो आप सिर्फ एक अलग सी छवि आती है चुड़ैल नाम पे, वो छवि ना आके कुछ अलग छवि आए। देखिए कितना बदमाश है मेरा हस्बैंड कि उसको पता है कि उसके बीप में चुड़ैल आ गई है लेकिन उसके बाद भी वो इन सब चीज़ों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके दिल में लालच है कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, क्योंकि उसको किसी बाबा ने बताया कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो करोड़पति बन जाएगा। बहुत कुछ होगा, पैर घूमेंगे और जब रात में मैं विभू के साथ होंगी तो भी कुछ बहुत ही अतरंगी हरकतें होंगी और कब्रिस्तान में मैं ऐसी घूमते हुए पाई जाऊंगी और इस तरह से सभी डरेंगे। तो बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली ये माजरा क्या है, क्योंकि मेरे अंदर रॉक्सी की आत्मा आ गई है। रॉक्सी मेरी सहेली है जिसका खून हो गया है, और उसका खून किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है ये किसी को पता नहीं है, और उसको इंसाफ चाहिए तो वो अपना इंसाफ मांगने आई है। कलर्स के सीरियल विश में आदित्य और आलिया पहुंच गए हैं अपने हनीमून पर। असल में आलिया को जो चैलेंज मिला था 7 दिन का वो उसने पूरा कर लिया है, यानी जो आदित्य विश पुरुष बन चुका था वो अब नॉर्मल इंसान बन गया है। और अब आलिया उसे सबरीना से कोसों दूर ले आई है और उसे यकीन है कि जब तक सबरीना उससे दूर रहेगी आदित्य तब तक पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे। आलिया की लाइफ में अब वो 7 दिन वाला जो पड़ाव था कि आदित्य को अब पुराना आदित्य को वापस लाओगी अपने प्यार के जरिए तो शायद वो तुम्हारा हो जाए, तो आलिया की वही कोशिश जारी है और आलिया को उसमें थोड़ी सी सक्सेस दिखाई देती है। तो बस उसे लगता है कि सबरीना से दूर ले जाऊंगी तो शायद मेरा आदित्य मुझे वापस मिल जाए, तो बस थोड़ा रोमांटिक लवी डवी सीन चल रहा है। सोनी टीवी के सीरियल मेरे साई ने कर लिए हैं पूरे 500 एपिसोड्स और इसी खुशी में सेट पर सभी ने मिलकर काटा केक और एक दूसरे का किया मुंह मीठा।